हेलो नमस्कार अर्बन एडुकेशन के आपको स्वागत करुच पिला माने हम पढ़ते कौन ज्योग्राफी षष्ठ अध्याय कृषि विषय पढ़ते ठीक अच्छे तो पूर्व यार गोटे पार्ट सर जाए आज तार सेकेंड पार्ट पढ़ा ठीक अच्छे आ जो मैंने चैनल को नुआ कर पाने चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो पूरा देखु और भल लगे निजर सांग मान को सेयार करूँ तो कौन ना प्रयोजन भित्तिक कृषि विषय अच्छा पे कौन कर भारत में अधिकांश कृषक निज पर भरण पोषण प्रयोजन भित्तिक कृषि कर ठीक अच्छे तो निजर जो कृषि कृषक मैंने था निज पर भरण पोषण यही प्रकार कृषि करते ठीक अच्छे जहाँ कौन कहुए से कृषि कौन कहुए नामम्र कृषि क्षुद्र चाषी बोली कहुए ठीक अच्छे कौन कहुए नामम्र चाषी क्षुद्र चाषी कहुता है तो हम कौन नामम्र चाषी और क्षुद्र चाषी मान द्वारा छोट छोट चाष भूमि और विक्षिप्त जमी मानक कृषि कार्य पारंपरिक और मुख्यतः आदिम उपाय कराए तो जो कृषि प्रणाली रही जो क्षुद्र चाषी मात्र चाषी जो करते कृषि कार्य की सीटा छोट छोट चाष जमी मान कर निजर पर पोषण पूरण यह प्रकार कृषि कर तो जो कृषि प्रणाली रही है कौन पारंपरिक और मुख्यतः आदिम उपाय कह कौन ना पुरतन पद्धति यही प्रकार कृषि कर पुरतन प्रगति सब जिन पुरतन जिन सब लेकिन सरंजाम सब लेकिन यह प्रकार कृषि से मैंने सब करते हैं ए प्रकार कृषि अधिक अमलक्षम विहन कीटनाशक औषध रासायनिक सार व्यवहार करने कृषक पक्षे संभव हुए ना ठीक अच्छे तो जना पड़े कृषक निहत भाव में गोटे गरीब लोकटे हो तेणु से कौन कर निजर जो चाष भूमि अच्छे छोट छोट चाष कर पुरतन पद्धति में करूँ से अमलक्षम विहन कीटनाशक औषध और रासायनिक सार व्यवहार से करना तो कम होतीत जलसेचन अभाव हेतु उत्पादन कम होता है ठीक अच्छे तेना से कौन कहे ना जलसेचन भी बहुत अभाव होता है जल बहुत अभाव होता है उत्पादन तेणु उत्पादन भी तार कम होता है ठीक अच्छे तो कौन है ना जलसेचन अभाव कम होता है ना उत्पादन कम होता है तुम कौन फल चाषी भरण पोषण उत्पादन यथेष हुए ना ठीक अच्छे निजर भरण पोषण चाषा करुला से तरह छोट छोट भूमि मानक ठीक अच्छे तो ये से अमलक्षम विहन कीटनाशक औषध रासायनिक सार व्यवहार करूनता कौन जलसेचन अभाव हेतु कम हो उत्पादन कम हुए और निज भरण पोषण जो चाष कर भरण पोषण से उत्पादन टी यथेष हो पारि ना ठीक अच्छे कौन बर्तमान सरकार का विभिन्न गठनमूलक कार्यक्रम जो कौन होना अधिक अमलक्षम विहन कीटनाशक औषध और रासायनिक सार जोजग ब्लां ब्लां ऋण इत्यादि कृषि को मिल पार कृषक टी मिल पार तेणु एवं कौन होना उत्पादन यथेष भाव में अधिका हो उत्पादन वृद्धि पाई कौन कह ना मोटामोटी भाव में यह कृषि संपूर्ण रूपे मौसुमी प्रभाव प्राकृतिक पद्धति मटीर उर्वरता वृद्धि और अन्यान्य परेश जनित अवस्था पर निर्भर कैर कौन कह पे ना जो देखने आम कृषि हो तो क्या क्या निर्भर करा से निर्भर कर मौसुमी प्रभाव पर प्राकृतिक पद्धति मटीर उर्वरता कहीं किसी सार कि खतर व्यवहार करनी तेणु प्राकृतिक पद्धति द्वारा मटीर उर्वरता वृद्धि पाँची परेश जनित अवस्था परेश जनित अवस्था मैंने कहे एवं तरह छोट छोट भूमि अच्छी वृद्धि पाए से कौन तार चाष उत्पादन वृद्धि पाई पार कृषि प्रभाव कहे कौन कहे ना गोटे कृषि पाई हे तो बृष्टिपात अत्य दरकार कौ कौ कृषि पाई कहे ना बृष्टिपात बहुत कम दरकार तेणु मौसमी प्रभाव निहत भाव में ये कृषि पाई दरकार हुए ठीक है पे कौन कह कम बृष्टिपात होता अंचल कड़ाजल कृषि को कौन कहुए ना शुष्क कृषि बोली कह देख कौन कह कम बृष्टिपात होता अंचल कड़ाजल कृषि को शुष्क कृषि कहुए जो थे कौन कराए ना मका बाजरा और तैलबीज जातीय कृषि सब कर ठीक अच्छे एवं से कौन कह बृष्टिबहुल अंचल कराज कृषि को कौन कहुए ना आर्द्र कृषि बोली कहुए जो बृष्टिपात कम होता है शुष्क कृषि जो जो अंचल कम बृष्टिपात होता है से अंचल कराया कृषि को शुष्क कृषि और से आम मक्का बाजरा जौ जवार तैलबीज डालीजा भी कृषि तुम आसपारे एवं कौन कहते ना जो जो अंचल बृष्टिपात अधिक होता है बृष्टिबहुल अंचल कराया कृषि को आम आर्द्र कृषि भी कहुए जो थे से कौन ना धान मणिका आख तथा विभिन्न पनीपरिया आदि यही कृषि अंतर्गत ठीक अच्छे
या पर पढ़िया कौन ना स्थानांतरित कृषि विषय त प्लान एपे देखिया कौन देखिबा स्थानांतरित कृषि विषय तो स्थानांतरित कृषि कहले कौन बुझामे ना स्थानांतरित कृषि हो जेको प्राचीन बा चिराचरित कृषि रेको उदाहरण ठीक अछि बाग पुरातन बा प्राचीन काल रे ए प्रकार कृषि को लोक माने अपनांतले त एतरे कोन समान करथले सेवा करथले कौन ना देखिबा कोन कहउछि ना स्थानांतरित कृषि रे कृषक कम करे जंगल रे किछ अंश को कोरि दिए एहा द्वारा कोन हुए भूमि रे कोबे ते जो पोडा जेथा गछर गंडी हो पूरा संपूर्ण गछ हो गछ विभिन्न अंश कोबे ना पाउस हेले भूमि रे मिसि जाय ठीक अछि त कोन कहउछि ना एहा द्वारा कोन हुए भूमि रे पाउस मिसि जमीर उर्वरता वृद्धि पाए को चास भलो होय जाय ठीक अछि कोन बुझिल ना कृषक टे कोन करे जंगल के छथ को कोरी की सफा करके सेठा को हुए कोड़े देख पांच सब भूमि रे मिसे एवं जमीन रो उर्वरता वृद्धि पाए एवं चाष भलो होय मात्र ए प्रकार कृषि रे सार रो प्रयोग होई नथाय तेलो कृषक तेलो को हुए ना वर्ष को वर्ष उत्पादन भार कमी कमी जाय था ठीक अछि कोन बुझिल ना कोन हुए ना इतरे सार रो प्रयोग होय रहथे फल रे वर्ष को वर्ष उत्पादन कमी जाय था तेनु उक्त भूमि को परित्याग करी पुणि अन्यत्र अंश को कोरी सफा करी सेठारे पुणि से स्थानांतर भाव एही पद्धति रे चाष करा जाय तेनु भाग कोन भाजे ना स्थानांतरित कृषि बोले कोहा जाय था ठीक अछि मोटी जगह पासिला से जगह रे गछ को कोरीला पर जंगल को कोरी सफा करी सेठ चाष कला पुणि सेठारे चाष भल हला एवं किछि दिन पर भूमि रो उर्वरता कमी गला पर अन्य अंचल को जाके पुणि अंतरे से अंतर रे मध्य पोड़ी सफा करी बा सेठाकर जंगल को पोड़ी सफा करी सेठर पोड़ी चाष काम आरंभ करले या कोया जे कोन ना स्थानांतरित कृषि जेतु स्थानांतरण हे के कृषि का जाउछ त कह जाय स्थानांतरण स्थानांतरित कृषि बोली कह जाय एवं एही स्थानांतरण पर कहबे भूमि रो उर्वरता प्राकृतिक उपाय रे वृद्धि पाए एवं एही स्थानांतरित कृषि कहबे ता केवल जे भारत रे हुए भारत रे विभिन्न अंचल रे हुआ सहित कोन विदेश रे मध्ये एक प्रकार कृषि पर जाय एवं विभिन्न अंचल रे एहार नाम भिन्न भिन्न होय जाय ठीक अछि देखिए या पर ताको कोन कोन कह जाउ छि विभिन्न अंचल मान करे त प्लान देखले कोन ना स्थानांतरित कृषि विषय त स्थानांतरित कृषि मु कहले कोन ना एहा केवल भारत रे हुए नि भारत रे विभिन्न अंचल हेबा संगे संगे विदेश रे मध्ये एक प्रकार कृषि करा जाय थाय एवं एहा को को अंचल को केउ को नाम रे नामित करा जाय से विषय रे देखिबा ठीक अछि त कहला ना आसाम मेघालय मिजोरम नागालैंड आदि उत्तर पूर्व जो राज्य गुड़ी को अच्छे भारत रो सेठी या कोन कह जाय एवं कह जाय झुम कह जाय एवं आंध्र प्रदेश रे केते अंचल रे आंध्र प्रदेश मध्ये एक प्रकार कृषि करा जाय थाय एवं सेठा रे केते अंचल कोन कह जाय को पेंडा बोली कह जाय थाय एवं तापर कोन कहू छी ना ओडिसा टमरी पर कृषि करा जाय ताको कह जाय ताको कोडू चास बोली कह जाय थाय एवं पश्चिम घाट पर्वत अंचल रे कह जाय कुमुरी झारखंड रे एक प्रकार कृषि करा जाय थाय जहार नाम होच कोन ना पूर्वा ठीक अछि ये हे गेल कोन ना भारत ठीक अछि एवं भारत बाहर मध्य एक प्रकार कृषि दृष्टांत रहै छी मेक्सिको एवं केंद्रीय अमेरिका रे हम कह जाय ना मिल्पा बोली कह जाय ठीक अछि प्लान कोडी ना मेक्सिको एवं केंद्र अमेरिका या को मिल्पा बोली कह जाय छै ब्राजील या को रोका बोली कह जाय छै एवं इंडोनेशिया एवं वियतनाम या को रे बोली मध्ये कह जाय छै ठीक अछि ए जो स्थानांतरित कृषि अछि ता को इंडोनेशिया एवं वियतनाम को कह जाय छै रे बोली मध्ये कह जाय छै ठीक अछि आबे मूर्तिकार मध्ये पढथले रे बोली कोन ना रे बोली ओटे मूर्तिकार पढथले एवं एठी हम देखु छै कोन रे होछि गोटे कोन ना कृषि जा कह जाय कोन स्थानांतरित कृषि ता को इंडोनेशिया एवं वियतनाम रे बोली कह जाय छै अच्छा तो पिला माने स्थानांतरित कृषि को एबे देखि हम कोन ना सघन कृषि विषय ठीक अछि कोन देखिबे सघन कृषि विषय देखिबा सघन कृषि कोन कहू छी ना सघन कृषि मुख्यतः घन जन बसती अंचल रे करा जाय छै ठीक अछि त ए कृषि कोड करा जाय ना जोठी अधिक लोक माने बास करनि बा जोठी घन जन बसती देखा जाय सही अंचल रे एही प्रकार कृषि को सघन कृषि करा जाय छै एहा मुख्यतः भारत चीन दक्षिण पूर्व राष्ट्र समूह को अन्य जनबहुल राष्ट्र मानकरे एही प्रकार कृषि करा जाय छै कोन कहला ना भारत चीन एवं दक्षिण पूर्व राष्ट्र समूह सब कोन ना सेटा रे घन जनबसती बा जनसंख्या होची अधिक हम भारत से परि कोन जनसंख्या अधिक चीन मध्य जनसंख्या अधिक तो सेही सब अंचल को करा जाय एही प्रकार कृषि करा जाय छै किबा कोन कह जाय पटा को सघन कृषि करा जाय छै तापर कोन कहू छी ना एही कृषि रे भूमि रे कोन करा जाय ना रासायनिक सार कीटनाशक औषध एवं अधिक अमलक्षम विहन एवं उन्नत
যান্ত্রিক পদ্ধতিরে কৃষি কার্য করা যায় এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায় কোন বলছি না এই প্রকার কৃষি কাম করা যায় না ভূমিরে বা জমিরে আমি কাম করতাও না রাসায়নিক সার কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগ করতাও এবং উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতিরে কাম করা যায় চাষ করা যায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যায় এবং আর কোন করা যায় না এইতিরে বর্ষকু 3 রু 4 প্রকার শস্য উৎপাদন করা যায় বা ভূমিরে বর্ষকু তিনি চারি প্রকারৰ শস্য উৎপাদন কৰা যায় থাকে এই সকল কৃষিৰে কম কৰা যায় যেহেতু কম কৰা যায় না দেশৰ জনসংখ্যা বহুত অধিকা তেন কম কৰা যায় কৰে না ৰাসায়নিক সাৰ কীটনাশক ঔষধ প্ৰয়োগ কৰি জমিৰ বা ভূমিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰা যায় থাকে এবং কম কৰা যায় না বৰ্ষক তিনি চারি প্রকারৰ কৃষি কাৰ্য কৰা যায় থাকে কাৰণ কি না কাৰণ এখানে জনসংখ্যা হৈছে বহুত অধিক আৰু সমস্ত চাহিদা পূৰণ কৰিব পাই কম কৰা যায় থাকে তিনি চারি প্রকারৰ শস্য উৎপাদন কৰা যায় থাকে তাৰপৰা হৈছে না বর্ষকু একাধিক বার কৃষি কার্য হওয়ার এখন সঘন কৃষি বলে কুহযায় তো এখন সঘন কৃষি কাহিনী কুহযায় না যেহেতু আমি বর্ষকু তিন চারি প্রকার ফসল উৎপাদন করছে বা শস্য উৎপাদন করছে তাহলে এখন কম কুহযায় সঘন কৃষি বলে কুহযায় ঠিক আছে এবং আর কোন হয়ে না এখন জমিরে মধ্য চাপ মধ্যে পড়ুব গলা তারপর কম হচ্ছে না এহা সাধারণত সমতল অঞ্চল উপকূল অঞ্চল এবং জলসেচিত অঞ্চলরে এই প্রকার কৃষি অধিক ভাবে হয়ে ঠিক আছে কাহিনী কুহলা না এই প্রকার কৃষি আমার কেউ কেউ অঞ্চল করা যায় না সমতল অঞ্চল করা যায় যেহেতু আমি কম করছে বর্ষ তিন চারি প্রকার শস্য উৎপাদন করছে তেমন এখানে নিহিত ভাবে সমতল অঞ্চলে উপকূলবর্তী অঞ্চলে যেহেতু জলসেচন দরকার আমাকে নিহিত ভাবে বহুত অধিকা তেমন উপকূল অঞ্চলে যদি উপকূলবর্তী অঞ্চল ন হচ্ছে তেমন যেহেতু জলসেচন সুবিধা বহুত অধিক মাত্রায় থাকবে সেই সেই অঞ্চলে এই প্রকার কৃষি বা সঘন কৃষি করা যায় আর গোটে জিনিস কম কুছ পিলা মানে না এর বিপরীত এর বিপরীত কহিলে কম না যে অঞ্চলে জনবসতি কম এবং বহুত অধিকা কম থাকবে তোমার না কৃষি বা চাষ জমি থাকবে সেই অঞ্চলে করা যায় কৃষি কম কুহযায় আমার ব্যাপক কৃষি বলে কুহযায় এর বিপরীত কম আসে তোমার না ব্যাপক কৃষি ব্যাপক কৃষি তো ব্যাপক কৃষিরে কম কুহযায় যেখানে জনসংখ্যার সর্বদা দেখা যায় এবং কৃষিভূমি অধিক থাকে তাহলে কুহযায় কোন না ব্যাপক কৃষি এবং এই কৃষির মধ্যে আমরা কম করা যায় না যান্ত্রিক পদ্ধতির বা যান্ত্রিক উপকরণের বহুল ভাবে ব্যবহার করা যায় তাহলে কুহযায় কোন ব্যাপক কৃষি পিলা মানে আজ ক্লাসটিকে এই রাখবা আগুক আমি কম করে বাণিজ্যিক কৃষি বিষয়ে পড়িবা ঠিক আছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তবে লাইক কর নিজের সাংবাদিক সেয়ার কর এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব কর ভিডিওটি পুরো দেখিবার ধন্যবাদ রইলি নমস্কার।